हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस तरह का 3D प्रोफाइल पिक्चर फोटो एडिटिंग जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस तरह का कैसे बनाना है वो आपको वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये फ्री अवेलेबल है। और यहाँ पर ओपन करने के बाद नीचे प्लस वाला आइकन दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद फर्स्ट में आपको एडिट फोटो दिख रहा है ऑप्शन, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर में बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे, देख सकते हो गाइज। तो यहाँ पर आपको व्हाइट वाले को सेलेक्ट कर लेना है। व्हाइट वाले को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना। यहाँ पर इतना करने के बाद गाइज हमें यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्रॉ वाला। तो आप ड्रॉ वाले टूल में क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा शेप, शेप वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे शेप देखने को मिलेंगे, तो आपको सर्कल वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ से स्क्रॉल करना है। यहाँ से इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल पे क्लिक करना है, ओके कर देना। और यहाँ पर जस्ट आपको इसे ड्रॉ करना है, देख सकते हो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से आपको कर लेना है। और आपको सर्कल को थोड़ा बड़ा करना है, यहाँ से कॉर्नर को पकड़ना और सर्कल को इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पर बाहर पर टैप कर लेना। तो इतना हो चुका है गाइज। अब हमें करना क्या है कि ये लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, लेयर वाला देख सकते हो, इसमें क्लिक करना है। और यहाँ से इसको यहाँ पर नॉर्मल वाले है ना, इस पर क्लिक करके आपको XOR कर देना है, इस तरीके से करना है। इतना करने के बाद हमें लेयर को बंद कर देना है और 3 डॉट में क्लिक करके इसको सेव इमेज कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो हमारा फर्स्ट इमेज सेव हो चुका है। अब यहाँ पर हमें बैक कर देना है गाइस, पूरा बैक कर देना है। तो गाइस बैक करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से शेप वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से सर्कल वाला सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से जस्ट ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस बार थोड़ा छोटा सर्कल आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इसको बाहर टैप कर देना है। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर हम लेयर वाले ऑप्शन में फिर से जाएंगे और ये जो नॉर्मल लिखा हो इसको यहाँ पर हम कर देंगे XOR। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके इसको सेव इमेज कर देंगे, ठीक है गाइज। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर पूरा बैक कर देना है, क्रॉस पर क्लिक कर लेना, डिस्कार्ड कर देना और यहाँ पर हमें फिर से बैक कर देना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ये रहा हमारे मॉडल का फ़ोटो, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें गाइज ऐड फोटो में चले जाना है, ऐड फोटो में क्लिक कर लेना और जिस हमने जो दो फोटो को सेव किया था ना बना के, उसको हमें सबसे फर्स्ट वाले को ऐड कर लेना है। ये देख सकते हैं ये सबसे फर्स्ट वाला है, और इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है, पूरा फोटो में इस तरीके से बड़ा करना है और इसको इस तरीके से एडजस्ट करके ऊपर में लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, इतना करना है। उसके बाद हमें फिर से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद हमने जो सेकेंड नंबर पर एक वाइट वाला जो बनाया था सर्कल टाइप का, इसको हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको पूरे फोटो में इस तरीके से लगाना है और ऊपर में लगा लेना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये जो ओपिसिटी है, ओपिसिटी को हल्का सा कम करना है ताकि हमें दिखे कहाँ पर हेयर्स आ रहे हैं, तो 71% रखना है। उसके बाद यहाँ पर इरेजर वाले टूल पे जाना है। इरेजर वाले टूल में जाने के बाद यहाँ पर जो हार्ड इरेजर है इसके हार्डनेस को बढ़ा लेना है, साइज़ को थोड़ा कम, और दोनों उंगली की मदद से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छे से ऐसे इरेज कर लेना है गाइस, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको इस तरीके से करना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना गाइस, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर एक्स्ट्रा कहीं पर इरेज हो जाए तो आप यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक करके इसको इस तरीके से रिस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ, यहाँ पर इरेजर में जाकर आपको इरेज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो ओपेसिटी हमने कम किया था इसको यहाँ पर फुल कर लेना है। फुल करने के बाद यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है, इतना करना है। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा नीचे वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो नीचे वाले भाग को हमें यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है, मतलब टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिखने को मिलेगा क्रॉप, इसमें क्लिक कर देना है और इस तरीके से इसको छोटा कर लेना है। इतना जहाँ जहाँ व्हाइट बॉर्डर है वहाँ पर आपको छोटा कर लेना है। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हो कि हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर है यहाँ पर गजब तरीके से बन चुका है। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमें फिर से जाना है ड्रॉ टूल में। टोटल में यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव इमेज कर देना है। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।